नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेक। बिहार में शराबबंदी का कानून लागू है, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री के ड्राइवर शराब पीकर धूत होकर गाड़ी चलाते हैं। यह वाकया पटना शहर के बेली रोड की है। मंत्री मुकेश सहनी के प्रचार गाड़ी का ड्राइवर शराब में धूत होकर बेली रोड में जा रहे थे और राजभवन के गाड़ी को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद जब पुलिस पहुंची, ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया तो वह शराब के नशे में धुत था। क्षतिग्रस्त गाड़ी को भी थाने पर लाया गया। कहा जाता है कि जिस गाड़ी को लेकर ड्राइवर जा रहे थे वह गाड़ी मुकेश सहनी मंत्री के प्रचार गाड़ी है और उसने जोरदार टक्कर राजभवन के गाड़ी को मारा और तब जाकर बवाल मचा जब नशे में धुत ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। अब आप सोच सकते हैं कि शराबबंदी का कानून नीतीश कुमार ने लागू किया और नीतीश कुमार के मंत्री के ड्राइवर ही शराब पी के बेखौफ होकर घूम रहे हैं और राजभवन के गाड़ी को टक्कर मार रहे हैं। इससे आगे मैं आपको क्या कह सकता हूँ? कहीं नलजल घोटाला उप मुख्यमंत्री के रिश्तेदार कर रहे हैं? कहीं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी के ड्राइवर शराब पीकर खुलेआम शराबबंदी कानून का धज्जी उड़ा रहे हैं? और बिहार की सरकार सुशासन बाबू का ढोंग पीटती रहती है। अब आपको ही सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।